हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं मानसी स्वागत करती हूँ आपका शिवा होम पर। आज मैं आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ 3 BHK का स्पेशियस सा फ्लैट। इंडिपेंडेंट फ्लैट रहेगा और फैसिलिटी की बात करूँ तो कार पार्किंग की, लिफ्ट की आपको फैसिलिटी मिल रही है। पूरा ये 130 गज का 3-साइडेड ओपन फ्लैट है। आपको तीनों रूम्स में बालकनी अटैच मिल रही है। और एक्टिविटी की बात करूँ तो नीचे उतरते ही आपका मेन मार्केट RS मार्ग मार्केट रहता है, उत्तम नगर वेस्ट आपका पास में है। मेट्रो स्टेशन एंड स्कूल, जिम, पार्क भी आपको सब कुछ पास में मिलने वाला है। तो देरी ना करते हुए मैं आपको फ्लैट की तरफ लेके चलूंगी। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे आप हमें कमेंट करते हैं कि हम अपने फ्लैट का प्राइस नहीं बताते हैं, तो प्राइस जानने के लिए प्लीज नीचे लिखे नंबर पे हमें कॉल करें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ स्पेशियस सा 3 BHK का फ्लैट। अपने 3 BHK के फ्लैट में मेरे लेफ्ट साइड में आपका स्टेयर एरिया है एंड राइट साइड में लिफ्ट एरिया। अब एंट्री करते हैं हम अपने फ्लैट की ओर, तो आपको ये लिविंग एरिया देखने को मिल रहा है जो बहुत ही स्पेशियस है। आप स्पेस तो खुद ही देख रहे हैं कि कितना स्पेस है। यहाँ आप अपने सोफा भी डाल देंगे तो भी बहुत स्पेस रहने वाला है। बैक साइड में बटरफ्लाई आपका प्रिंट दिया गया है, 3D वॉलपेपर है ये पूरा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है लिविंग एरिया में। और लेफ्ट साइड में आपको विंडो भी दी गई है और स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना स्पेस है लिविंग एरिया में। ऊपर की फॉल सीलिंग देख सकते हैं, लैंप देख सकते हैं, जो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे टीवी पैनल की, तो ये टीवी पैनल दिया गया है आपको, जो इजीली अपना टीवी स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉर दिए गए हैं नीचे, एक नहीं आप देख सकते कितने ड्रॉर दिए गए हैं। पार्टीशन भी दिया गया है, वुडन का वर्क किया गया है और हल्का वुडन ही लगाया गया हमने यहाँ पर, हैवी वुडन, अच्छा वुडन लगाया गया है। लाइटिंग्स दी गई है ऊपर, साथ में ही आपका किचन भी अटैच है। राइट साइड में देखेंगे तो हमारे ये स्पेस, कितना स्पेस है किचन के अंदर। अपनी स्लैब लगी हुई है, नॉइस फ्री आपको ये सिंक दी गई है। ड्रॉर्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी आपके ड्रॉर्स है। लाइटिंग लगी हुई है, अगर आपको लाइट ऑन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट सामान निकाल सकते हैं। नीचे भी आपको ड्रॉर्स दिए गए हैं और ब्रांडेड चिमनी लगी गई है, हैंगिंग लैम्प, फॉल सीलिंग ऊपर देख सकते हैं ये कितनी प्यारी लग रही है। ब्रांडेड चिमनी है, साथ में आपका विंडो भी दिया गया है। ये आपके लोग स्पेस के लिए पेंट्री दी गई है, देख सकते हैं मतलब कितना स्पेस है यहाँ पर। और फ्रिज भी आप अपना यहीं पर ही लगा सकते हैं, आपको कहीं बाहर लगाने की जरूरत नहीं है। तो किचन में भी इतना स्पेस है तो रूमों में कितना स्पेस होगा। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3-साइडेड ओपन है तो बालकनी इसमें भी अटैच है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, बेड डलने के बाद भी बहुत स्पेस रहने वाला है। वॉलपेपर देखेंगे, 3D वॉलपेपर है जो बहुत प्यारा लग रहा है। और हमारे लेफ्ट साइड अलमीरा दी गई है जिसमें बहुत स्पेस रहने वाला है। आप इजिली सामान स्टोर कर सकते हैं, अपने ड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं, दोनों साइड ओपन है ये। और राइट साइड में हमारे ये विंडोज दी गई हैं, विंडो AC के लिए स्पेस दिया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। हम बालकनी में एंट्री कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ की स्पेस की बात करूँगी, कितना स्पेस है। इजिली आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। ग्रिल्स लगी गई हैं और इस ग्रिल्स ऐसी लगाई गई है हमने कि इसमें जंग नहीं लगेगी। ऊपर लाइट लगा हुआ है, टैले लगी गई हैं आपकी यहाँ पर भी। तो अब आ गए हम अपने सेकंड रूम में, सेकंड बेडरूम में। आप स्पेस देखिए कि कितना स्पेस है यहाँ पर, कि बेड डलने के बाद भी बहुत स्पेस रहेगा। 3D वॉलपेपर येलो कलर में जो बहुत प्यारा सा लग रहा है, फ्लावर सा डिजाइन बना हुआ है। और साथ में ही आपके यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मान सकते हो, या फिर आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हो, या कुछ भी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। देखिए आप कितना स्पेस है यहाँ, स्पेशियस का है तो स्पेस भी तो होना बनता है। ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग, लाइटिंग वर्क कितना प्यारा सा है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये फुल्ली वेंटिलेटेड हाउस है ये, तो बालकनी भी अटैच है। मैंने आपको बताया था कि तीनों रूम्स में बालकनी अटैच है, तो इसकी बालकनी में भी स्पेस देखिए, ग्रिल्स देखिए लगी हुई है, टैले लगी गई है एंड टू एंड। वॉशिंग मशीन जहाँ भी आप रखना चाहें वहीं लगा सकते हैं। AC के लिए भी आपको विंडो AC के लिए स्पेस दिया गया है, विंडो लगाई गई है। तो आगे चलते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम में। तीसरे बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। आपका ये कॉमन वॉशरूम रहता है,
जिसमें टैरे लगेगी है, एंड टू एंड सैनिटरी फिटिंग हमने आपको करवा के दी हुई है, लाइटिंग्स देख सकते हैं जो बहुत प्यारी सी लग रही है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में भी स्पेस बोलूंगी मैं, स्पेस कितना स्पेस है, बेड डलने के बाद और कितना स्पेस रहेगा, आप कुछ भी सामान लेके आइए और इजिली स्टोर कर सकते हैं। वॉल पेपर लगा गया है 3D वॉल पेपर जो बहुत प्यारा सा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं आपकी फॉल सीलिंग लाइटिंग, लाइटिंग की भी कहीं कमी नहीं छोड़ी है हमने इस घर में, आपको खूबसूरती की भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और आपको अलमीरा भी दी गई है, ओपन करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले इसकी स्पेस कितना है। हमारा ये मास्टर बेडरूम है तो इसमें हमें वॉशरूम भी दिया है। हमारा वॉशरूम है जिसके अंदर टैले लगेगी है एंड टू एंड, और सैनिटरी फिटिंग भी हम आपको करवा के दे रहे हैं। तो ये जो स्पेस रहता है, टीवी पैनल है हमारा, टीवी इजिली स्टोर कर सकते हैं। और राइट साइड में हमारे ये विंडो एसी के लिए स्पेस दिया गया है, विंडो लगाई गई है। और देख रहे हैं आपकी कितनी अच्छी धूप आ रही है, सर्दियों में ये धूप बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि हम चल रहे हैं अपनी बालकनी की तरफ। इसमें स्पेस देखिए कितना स्पेस है, ग्रिल्स है, टैले लगी गई है एंड टू एंड, और बाहर की गैलरी भी आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं, चाय का मजा ले सकते हैं यहाँ पर खड़े होके। ऐसा लगा आपको हमारा 3BHK का शानदार सा फ्लैट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा, इस घर को आप अपना बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और इस घर को अपना बना लीजिए। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।